फ्रेंड्स, मैं नाम करण है। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज का टॉपिक देख सकते हैं, फिलिप्स RB 15 RB B677 इसका मॉडल नंबर है फ्रेंड्स, फिलिप्स वाला है। और ये अपने मैकेनिक से मैं बना के लेके आया हूँ। मैं आपको इसको हमेशा बन वाला रेडियो ज़्यादा करके दिखाता हूँ, पर आज मैं अपने मैकेनिक से क्या क्या काम करा के लाया, कैसे करा के लाया। फायरेट रॉड का कॉइल नहीं था तो वो एक लगा के दिया उसके पास। ट्यूनिंग का भी एक मशीन है मेरे मैकेनिक के पास। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप भी कभी भी अपने मैकेनिक से काम कराओगे तो ऐसे ही उसको बोलना कि काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, कि आगे जाके मतलब बनना गिर जाए और 5-6 साल मतलब अच्छा चले, उसको यही बोलना। और कोशिश करना कि उसको बोलना कि कौन से वाल वीक रहेंगे, तो उसको बोलने के लिए कि कौन से वाल है तो पहले बता देना, तो वो वाल हटा देना फ्रेंड्स और नए लगा देना, नए मतलब थोड़े अच्छे हो जाए, वो हो गए वही यूज़ करना, नहीं तो रेडियो अपना दौड़ने लगेगा। और कोशिश करना कि फायरेट रॉड की कॉइल ये होती है फ्रेंड्स, ये फायरेट रॉड की कॉइल वो नई लगा देना, तो उससे अपना नेटवर्क बहुत ही शार्प आता है और अच्छी तरह आता है। कितना भी नेटवर्क का लूज मतलब कांटेक्ट हो मतलब वीक हो तो भी ये पकड़ लेगा। पर इसका फायरेट रॉड का कॉइल ये मतलब ओल्ड रहेगा तो थोड़ा ये हो जाता है। तो मैं कोशिश बताऊंगा कि आपको नया बाय कर लेना, मतलब नया बोलना लगाने के लिए, नया तो मिलता नहीं पर मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक फायरेट रॉड का कॉइल मेरे पास है, आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं मीडियम वे का कॉइल है फ्रेंड्स, बहुत ही छोटा है। ये मीडियम वे के लिए है, मतलब मैंने एक से मंगाया था, इससे बहुत ही अच्छा नेटवर्क आता है फ्रेंड्स। आपके भी रेडियो में मैं आपको यही बोलूँगा कि ऐसे ही लगा देना तो दौड़ने लगेगा, भागने लगेगा। मैं आपको यही बताऊँगा कि ये इसमें देखो कैसे बहुत ही अच्छा काम किया है अंकल ने, मतलब कोई बनाने वाला होएगा वो, उसने तो आपको दिख रहा नहीं, तभी मैं छोटा सा इसे दिखा देता हूँ तो दिख जाएगा। ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, इतना थोड़ा अभी ख़राब नहीं पर ठीक ठाक है। मैं आपको बोलूँगा कि ऐसे कॉइल ये 400-500 के बीच में आता है, ये वाला ये फायरेट रॉड का कॉइल। ये लगाने के बाद अपना रेडियो मीडियम वे का किसका मतलब अच्छी तरह मतलब ट्यूनिंग नहीं हो रहा है, सिग्नल नहीं आ रहा है, तो ये फ्रेंड ऐसे वाला लगा देना, ये वाला कॉइल फायरेट रॉड का मीडियम वे का है ये। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि ऐसे वाला कॉइल अंकल को मतलब आप किसी भी मैकेनिक से बनाने वाले हो तो उनको बोलना कि ऐसे वाला कॉइल लगाने के लिए, तो ये दौड़ने लगेगा। अभी ये कॉइल हटा देते, बाजू में रखते हैं। ये कॉइल 400-500 के बीच में आता है, तो ये मैंने अंकल से मंगा के रखा है कि कभी ना कभी ये काम में आ जाएगा, तो सैंपल भी रखा है। तो इसको मैं लगाना नहीं चाहता हूँ कहाँ पर, तो कहाँ पर ये कोई बनाता रहेगा मतलब ऐसे ये कॉइल, और किसके पास भी ऐसे कॉइल हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना और मुझे बोलना कि हमारे पास है, तो मैं 2-3 और मंगा के रखूँगा अपने पास भी। आपको चाहिए तो मैं ये कॉइल वाले का नंबर आपको देता हूँ, आप भी उनसे बाय कर लेना। ओके फ्रेंड्स, और ये देख सकता है बहुत ही अच्छा है कंडीशन में, अभी मैं इसको ऑन नहीं कर सकता ये रूम में, मतलब ये रूम में मेरा नेटवर्क परफेक्ट नहीं आता, इसके लिए मेरे को विंडो पे लेके जाना पड़ता है। मीडियम वे के तो खास करके ये रूम में आता ही नहीं, शॉर्ट वे 1 शॉर्ट वे 2 यहाँ पर आ जाता है। मीडियम वे के लिए मेरे को किचन में जाना पड़ता है फ्रेंड्स, मैं आपको रियली बताता हूँ, झूठ बोल के कुछ मैं बड़ा इंसान नहीं बनूंगा, कुछ छोटा भी नहीं हो जाऊंगा। बहुत ही अच्छा है अंकल ने काम किया। मैं अभी इसका वाल के बारे में बताता हूँ और नीचे का भी बताता हूँ कि क्या क्या अंकल ने PF रजिस्टर क्या क्या चेंज किया है। बहुत ही अच्छा है, आई मैजिक भी देखो है, बस इसमें से एक वाल फूट गया था EZ80 नंबर का, तो वो मैंने नया लगा दिया। और EL84 वो भी वीक था तो वो भी मैंने चेंज कर दिया, बाकी सब काम किया। और इसका थ्रेड देखो, ये वो भी मतलब गया था, उसके अंदर थ्रेड ही नहीं था, तो मेरे मैकेनिक ने वो भी लगा दिया, बहुत ही अच्छा काम किया। अभी मैं इसके नीचे का दिखाता हूँ, इसके बाद वॉल का दिखाता हूँ, थैंक्स। दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मैं आगे लेना पड़ेगा कैमरा।
तो दूर से तो कुछ दिख रहा नहीं। देखो यहाँ पर अंकल ने एक लगा दिया है, तो दिख रहा है। तो अंकल ने थोड़ा ही इसमें से काम किया है। बहुत ही अच्छा काम करते हैं अंकल। देखो यहाँ पर एक चेंज किया अंकल ने, और यहाँ पर एक लगा दिया है, और एक अंदर एक लगाया है। और मैं आगे लेके कैमरे से दिखाता हूँ, पहले वाल के बारे में बताता हूँ, वाल कौन से कहाँ पर लगे हैं, तो आपको काम में आ जाएगा। कभी भी वाल सही मतलब नंबर वाइज लगा देना, नहीं तो आगे पीछे कभी लगाना नहीं, क्योंकि आप उन साफ सिफ करने के लिए निकालते तो उसके ऊपर लिख के रखना कि कौन सा वाल कहाँ पर है। और कभी भी कुछ भी काम करे तो अंकल को बोलना कि अच्छा ही काम करना, 50-100 रुपये ज़्यादा लेने के लिए बोलना, अपन काम कुछ भी हो तो अच्छा करने के लिए बोलना। देख सकते EZ80 नंबर यहाँ पर आएगा, ECH81 यहाँ पर आएगा, EF89 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर है EVC81 यहाँ पर आएगा, EL84 यहाँ पर आएगा, और इसका नंबर है हाँ EC81। दो है यहाँ पर फ्रेंड्स, ये मोनो है, मोनो सेट है, स्टेडियो सेट नहीं है फ्रेंड्स ये। और इसमें दो पैरल मतलब दो ही स्पीकर की वायर वहाँ पर जाएगी, एक स्पीकर की वायर दो जगह पर जाएगी, तो ये स्टेडियो नहीं है फ्रेंड्स ये रेडियो। इसमें दो वाल दिए हैं, मतलब ये EL84 दो होते तो स्टेडियो बन जाता था। तो बहुत ही अच्छा अंकल ने बहुत अच्छा काम किया, मुझे तो पसंद आया। मैं इसको ऑन करके भी दिखाता हूँ, यहाँ पर नहीं मैंने एक वीडियो बना के रखी खास करके आपको दिखाने के लिए कि कैसे अंकल ने काम किया। तो लास्ट में इसका वीडियो डालूँगा, मतलब वीडियो ख़त्म होने के बाद। तो आपके पास भी ऐसे वाला रेडियो हो तो आप मुझे बताना कि हमारे पास भी है, हम लोग भी ऐसे रेडियो सुनते हो और हम लोग भी यूज़ करते रहते हो। हमारे दादाजी का है, परदादी का है, किसका भी हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लगता है, कोई आप लोग अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं। भोजन तो मेरे को एक ही ज़्यादा मैसेज करते कि आप सेल भी करते हो क्या रेडियो, तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे पास भी है ऐसे वैसे, मैं आपको यही अवर दूंगा कभी भी सेल नहीं करना फ्रेंड्स ये रेडियो। सेल के बारे में बताता हूँ, ऊपर ही स्क्रीन पे फोटो आ रहा है उसका, ये ओरिजिनल फोटो है फ्रेंड, ये वाला रेडियो है और इसकी ये चेसी है। तो हाँ सेल के बारे में बता रहा, कभी भी सेल नहीं करना फ्रेंड्स ये वाला ऐसे रेडियो। ये वाल वाले रेडियो अभी तो फ्रेंड्स मिलते नहीं, अभी तो मैं बहुत जगह पर ढूंढते रहता हूँ कि मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए नए नए वाल चाहिए होते, रेडियो चाहिए होते। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे कोई रेडियो मिल जाए, काम में आ जाए। तो आप भी कोशिश करना कि फ्रेंड्स की रेडियो संभाल के रखे, ऑन करते रहिए, और मैं यूज़ करते रहूँगा। मेरे मतलब दादाजी का हो, परदादी का हो, किसका भी हो, तो कोशिश करना कि मैं रेडियो कभी भी संभाल कर रखूँगा और यूज़ करते रहूँगा। ऐसे कोशिश करना, कभी भी कुछ भी रेडियो मेरे पास आ गया तो मैं उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। उसको बन में नहीं रखता हूँ कभी भी रेडियो, ज़्यादा करके मैं बन वाला रेडियो बना के अपने मैकेनिक के पास लेके जाता हूँ, उसके बाद वापस आके मैं इसका रेडियो बनाता हूँ। तो आप भी अपने मैकेनिक के पास बनाइए और यूज़ करते रहिए। बहुत हिंदी सॉन्ग, मराठी सॉन्ग, बहुत ही उर्दू चैनल पे आता है, मल्टी मीडियम वे, शॉर्ट वे, बहुत जगह पर सॉन्ग बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, ये सुनिए। और इसका सुनने का इफेक्ट ही बहुत ही बढ़िया है, मतलब इसको सुनने के लिए अच्छा लगता है। और ट्यूनिंग का तो अंकल ने बहुत अच्छा धागा लगा दिया, और इसमें एक ब्लब तो निकल के रखा है मैंने, आप बोलते रहिए कहाँ पर है उसका, एक निकल गया तो यहाँ पर अंकल ने टेप मार के लेगा कि जॉइंट होकर शॉर्ट ना जाए। तो अभी मैं इसको ब्लग में खुद लगाना पड़ेगा मुझे, कि अंकल ने बोला था कि टच हो जाएगा तो बॉडी बेड टच हो जाएगा बॉडी को, तो शॉर्ट हो जाएगा, संभाल के काम करना। मैं बोला हाँ ओके चलेगा ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि संभाल के काम करने के लिए, आप भी कुछ भी करोगे तो संभाल के काम करना। इसमें करंट विडन कभी लगता है, जोर से लगता है मेरे को, तो 2-3 बार जोर से लगा है कुछ भी करते टाइम पे। यू सीरीज़ का तो ज़्यादा लगता है, ई सीरीज़ में नहीं लगेगा कभी कि जब वायर को टच हो गया तो पावर गियर को, तो संभाल के फ्रेंड्स कभी भी कुछ भी करते टाइम पे। और इसका ऑन का वीडियो देखना लास्ट में, अभी मैं ये वीडियो स्टॉप करने के बाद
और ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, ऐसे रेडियो रेयर होते हैं। नीचे का दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे नीचे का बोल रहा है, दिखा नहीं अभी तक, तो नीचे का पूरी तरह टाउन का दिखा देता हूँ। हम देख सकते हैं नीचे का। फ्रेंड्स मैं दिखाना कोशिश करता हूँ कि अंकल ने क्या क्या काम किया। ऐसे ही काम करने के लिए बोलना, नीचे का तो बहुत फ्रेश कंडीशन में, इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पर एक लगा दिया है और देखो यहाँ पर एक लगा है और यहाँ पे दो लगे, 400 का लगा है। ऐसे ही अपने मैकेनिक को फ्रेंड्स काम करने के लिए बोलना तो अच्छा मतलब काम करेंगे। ये वॉल्यूम ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स, बहुत ही मतलब मैं भी ऐसे एक दिन बनाना हो जाऊंगा रेडी कि रेडियो कैसे मतलब इसका एक पावर, इसका पावर वायर भी फ्रेंड्स, इसका पावर वायर भी नहीं था। हाँ देख सकते हैं मैंने इसको ले लिया है, बस इसका बॉडी को थोड़ा पॉलिश ऊपर से रश कर दूंगा। इसका पावर वायर तो एक लगा दिया, इसको कट कर दिया था। मतलब है ये वाला एक वाल नया डाल दिया मैंने, फूट गया था पूरी तरह, और ये एक डाल दिया मैंने। आपके पास भी रेडियो ऐसे हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि मेरे पास भी ऐसा ऐसा है, मैं भी ऐसे सुनता हूँ और यूज़ करते रहता हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पता चल जाएगा हाँ भाई सब लोग ऐसे ऐसे रेडियो। तो वीडियो मैं बड़ी नहीं करूँगा फ्रेंड्स, और इसके बाद चालू वाला मतलब इसके बाद मैंने ऑन करके रखा था वीडियो, उसका डाल देता हूँ। कैसी लगे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, लाइक करना, शेयर करना। मैं वीडियो यही स्टॉप कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो बढ़ जाएगी फ्रेंड। बाय फ्रेंड्स।